सर क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश? 2016 के एक नोटिफिकेशन में सरकार 17,000 वैकेंसी लेकर आई थी TGT टीचर्स का, क्लास 9-10 का, जिसमें 24 जिले में से 13 जिले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे और सिर्फ लोकल रेजिडेंट्स को वहाँ नौकरी मिलनी थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। आज आगे के ऑर्डर्स पास हुए और इसमें जिसकी नौकरी ऑलरेडी नंबर वन जिसकी नौकरी लगी हुई है वो सारी सेव्ड है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट दोनों में। 425 लोग जो हाई कोर्ट गए थे इसके अगेंस्ट में रिट पटिशनर्स, उनको भी नौकरी दे दी है, देने के लिए कहा है, सब्जेक्ट टू कि उनकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी अपॉइंटिस के से कम ना हो। बची हुई वैकेंसीज जो करीब 8,500 है उस पर कोर्ट ने कहा कि एक स्टेट वाइज कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाई जाए शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के डिफरेंस को ख़त्म करते हुए, और 8,500 लोगों को नियुक्त किया जाए 3 महीने के अंदर। आपको लगता है कि ये अभी तक जिन लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी उनके लिए एक बड़ी राहत का सबब है ये सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार इस नियुक्तों को ख़त्म करना चाह रही थी, जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स हो गए थे उतने करके ख़त्म करना चाह रही थी सिर्फ 8,000 भर्ती करके। हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसीलिए आए कि पूरी 17,000 वैकेंसी भरी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने चूंकि खुद ही अपने काउंटर में कहा था कि हमारे यहाँ टीचर्स की कमी, आज फिर लिखाया कि स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ कहती है टीचर्स की कमी है, एक तरफ भर्ती बंद कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राइबल एरियाज है, बच्चों को शिक्षक और मेरिटोरियस मिलने चाहिए, वो आप इस ऑर्डर के बाद मिल जाएगा। क्या जो दूसरी जो नौकरियां हैं उन पर भी आदेश लागू होगा, उनके लिए भी राहत है? हाँ, बेसिकली ग्रुप सी और डी के लिए था, तो आज एक और भर्ती के लिए बोला है कि उसको भी मेरिटोरियस कैंडिडेट से भरा जाए कंबाइंड मेरिट के अनुसार। वो लिपिक थे, क्लर्क्स थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसके लिए भी आदेश कर दिया है और ये काम 3 महीने में होना है। ठीक है सर, थैंक यू।